हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में हम आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में ये देखने वाले हैं दोस्तों, ये वीडियो हमारी फेसबुक पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर भी जाएगी और साथ ही साथ बीएससी हमारे और भी चैनल है, बीएससी पेपर हैकर है, बीए पेपर हैकर है, बीकॉम पेपर हैकर है। तो बीए बाई जो पेपर हैकर हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो वीडियो आप यहाँ भी देखने को मिलेगी। आपको कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम आपको चाहते हैं कि आप अच्छे नंबर से पास हो और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारी हम वैसे बीए का पेपर हैकर, बीए पेपर हैकर पे डालने की कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे अब। लेकिन जो जो अभी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन है और एग्जाम से 2 दिन पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, केवल 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन याद करके आप 70% ला सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो 18 से 19 क्वेश्चन के बीच में है, 18 से 19 क्वेश्चन के बीच में, इन क्वेश्चनों को आप याद करके 85% प्लस ला सकते हैं, मतलब कि 85% यही से देखने को मिलेगा। आप सीनियर हो, ग्रुप के हो, यदि आपका कोई सीनियर है उनसे पूछना पेपर हैकर के बारे में कि भाई ये बताओ ये बंदा जो पढ़ाता है वो कैसे पढ़ाता है, कितने कर क्वेश्चन करके आता है, एक बार ये तो पूछ सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पूछ लेना क्योंकि बहुत जरूरी है। तो आपको ये पता चलेगा कि उनसे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, हम प्रूफ हो जाएगा कि हाँ जो सर बताते हैं वो बिल्कुल राइट होता है, ये बात सच है बेटा, हम प्रूफ करते हैं। और पेपर जब आता है तुरंत हम आपको सामने पेश कर देते हैं, भाई देखो जो बताया भाई क्वेश्चन आए, हम प्रूफ करके दिखाते हैं, फालतू तो कुछ नहीं करते। अब देखो यहाँ हमारा बी ए सेकेंड ईयर का हिस्ट्री का सेकेंड पेपर है, इसमें यूरोप का इतिहास के बारे में दे रखा है और 1789 लेकर 1870 तक की जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो इसमें ही दे रखी हैं। ये आपका पेपर का नाम हो जाएगा, ध्यान से देख लो। आपके पास जो भी बुक नोट्स गेस्ट पेपर है आप वहां से क्या कर सकते हैं बेटा, टिक लगा सकते हैं उन क्वेश्चनों पर। और कुछ मत पढ़ना, फालतू टाइम बर्बाद मत करना, मैं यही कह रहा हूँ, बस जो कह रहा हूँ वही पढ़ लो। और साथ में क्या कर रहे हैं आपको, आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, यदि आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है तो हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लो जो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, पहला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति जो देख सकते हो 1789 में हुई थी उसका वर्णन कर देना है। उसके बाद में है जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसको बढ़ावा देने वाले जो दार्शनिक की उसकी भूमिका का मूल्यांकन करना है, उसको बढ़ावा जो दिया था किस दार्शनिक ने दिया था उसकी भूमिका क्या रही थी उसमें वो आपको बताना है। नेपोलियन जो कह सकते हैं बोनापार्ट थे उनके आपको कंसुलर सुधार थे, उनके जो सुधार किए गए थे उनके द्वारा, याद रखना जो नेपोलियन थे उन्होंने कुछ सुधार दिए थे, उन सुधारों के बारे में आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो बोनापार्ट थे उनके कंसुलर सुधार जो दिए गए थे उनके वर्णन करना है, मतलब सुधार दिए थे नेपोलियन ने, वो सुधारों के बारे में देखना है कौन कौन से सुधार दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की राष्ट्रीय जो सभा थी उनकी सफलताएं क्या क्या रही हैं और महाद्वीपीय व्यवस्था का आपको वर्णन कर देना है, महाद्वीप की जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी वो क्या थी वो आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन ने, यहां बोला गया नेपोलियन ने अपने युद्धों में युद्धों से यूरोप को यहां कह रहा है जितनी हानि पहुंचाई थी उसके बारे में बताना है कि नेपोलियन ने अपने युद्धों से, ठीक है, अब जो उन्होंने युद्ध किए थे उनसे यूरोप को जितनी हानि पहुंचाई थी उन हानि के बारे में आपको पूरा याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 में हुई जो कह सकते हैं वियना समझौता हुआ था, एक वियना समझौता, ठीक है, वियना है कोई जैसे वियना ही लिखा हुआ, देखो 1815 में वियना समझौता हुआ था, ठीक है, उस वियना समझौता के बारे में पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यूरोप में मजदूर आंदोलन का विकास कैसे हुआ वो हमें याद कर लेना है। तो यूरोप में मजदूर आंदोलन का विकास कैसे हुआ और यूरोपीय संतुलन व्यवस्था के महत्व के बारे में, यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था थी, यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था थी वो क्या व्यवस्था रही थी संयुक्त में, मतलब यूरोप संयुक्त व्यवस्था कौन कौन सी थी उसके महत्व के बारे में देख लेना है, ठीक है। और यहां देखा है मेटरने, देखो बोला गया है मेटरने की जो उपलब्धियों के बारे में मूल्यांकन के बारे में उनके पतन होने के कारण क्या था तो वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया 1848 ईस्वी की जो क्रांति थी उसके क्या कारण थे और उनकी क्या क्या रहा है क्या असफलताएं रही है वो आपको याद रखना है। 1848 की जो क्रांति हुई थी उसका कारण उनकी असफलताओं के बारे में देख लेना है। नेपोलियन तृतीय युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध सॉरी इस प्रकार से कहते हैं जो तृतीय के
यह नेपोलियन तृतीय के कार्यों और उनकी सफलताओं और उनके पतन का बताना है, पतन कैसे हुआ, सफलताएं क्या थी, उनकी पतन के बारे में, हारे कैसे थे और उनकी गृह नीति क्या थी। तो नेपोलियन तृतीय की गृह नीति के बारे में आपको देख लेना है, नेपोलियन तृतीय थे उनके क्या कार्य थे, उनकी क्या समस्याएं थी, सॉरी सफलताएं और उनके पतन मतलब कि हारने का कारण क्या था। ठीक बेटा, इतना आप करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जर्मनी। तो जर्मनी के देखो साथ ही साथ नेपोलियन तृतीय के गृह नीति के बारे में पढ़ लेना। यहाँ जर्मनी के एकीकरण पर निबंध आपको देख लेना है, जर्मनी के एकीकरण पर निबंध और इटली के एकीकरण पर निबंध, इटली के एकीकरण पर भी निबंध आपको याद कर लेना है। 1870 की जो 1870 के उपरांत जो बिस्मार्क थे उनकी विदेशी नीति का उद्देश्य आपको बता देना है, बिस्मार्क की विदेशी नीति का उद्देश्य, ये क्वेश्चन टिक लगाएंगे। उसके बाद में नीचे चले जाएंगे, ये क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बेटा। ये कह रहा है यूरोप में समाजवाद का उदय कैसे हुआ, यूरोप में समाजवाद का उदय कैसे हुआ। साथ ही साथ फ्रांस के जो निकुंस राजतंत्र था उसके बारे में देख लेना है, निकुंस राजतंत्र के बारे में। मुद्रित पत्र क्या होता है आप ये देख लेंगे, मुद्रित पत्र क्या होता है। नेपोलियन नोवा जो कह सकते हैं नोवा पार्ट थे, उन्होंने शिक्षा में क्या क्या सुधार किए गए थे उनके द्वारा, वो आपको देखना है, उन्होंने शिक्षा में कौन कौन से सुधार किए थे। ठीक है, नेपोलियन ने वो आपको याद रखना है। साथ ही साथ देखिए वास्तिल का पतन के बारे में, तो वास्तिल का पतन किस प्रकार से, पराजय कैसे हुई थी वो देखना है। और टेनिस जो कोर्ट था उसके शपथ के महत्व के बारे में देख लेना है, टेनिस कोर्ट के शपथ के महत्व के बारे में याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो टिक लगाना है, फ्रांस की क्रांति के जो सितंबर हत्याकांड था, सितंबर में एक हत्याकांड हुआ था फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत, उसके बारे में याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति के आतंक का जो शासन समाप्त होने का कारण क्या था, तो कब ये समाप्त हुआ था शासन, फ्रांस की क्रांति के आतंक का जो शासन था वो कब समाप्त हुआ था, उसका कारण क्या था समाप्त होने का, वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नेपोलियन द्वारा, देखो बस इतने क्वेश्चन और है उसके बाद कुछ नहीं है बेटा। यहां देखेंगे, देखो यहां बोला है नेपोलियन द्वारा स्पेन पर आक्रमण किस प्रकार से किया गया था, और यहां बोला गया है संचालक मंडल का प्रशासन के बारे में, संचालक मंडल का प्रशासन क्या था वो देखेंगे। और यहां बोला गया है देखो पवित्र संघ क्या होता है या संधि जिसे कहते हैं। ठीक है, तो पवित्र संघ के बाद में यह संधि किसे कहते हैं, और साथ ही साथ जो कह सकते हैं विन्या जो कांग्रेस थी उनके सिद्धांतों का वर्णन कर लेना है, विन्या कांग्रेस के सिद्धांतों का वर्णन आपको कर लेना है। ठीक है, कह सकते हैं वटरलू जो युद्ध था, ठीक है कह सकते हैं वटरलू जो युद्ध था 1815 में जो हुआ था उसके बारे में, और ऑस्ट्रेलिया की क्रांति के बारे में हमें याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1839 ईस्वी में जो क्रांति की जो घटना घटी थी उसके बारे में, और 1848 की क्रांति में अंतर आपको बता देना है। 1839 में और 1848 की जो क्रांति हुई थी आपस में, इन दोनों में आपसे अंदर पूछेगा, अंतर आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, देख सकते हो कैबूर की जो गृह नीति के बारे में आपको देख लेना है। तो कैबूर की गृह नीति के बारे में बस इतना आपको पढ़ना है, कुछ और नहीं देखना इसमें, इतने ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। मैं आपसे वादा करता हूं एग्जाम से दो दिन पहले मैं आपको केवल 10 क्वेश्चन दूंगा जो आपके क्वेश्चन में आते होंगे, बस उतने ही पढ़ लेके चले जाते हो, दो दिन या फिर एक दिन पहले मैं आपको दे दूंगा, बस उतने ही क्वेश्चन पढ़ के आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, आपको कोई फेल करने वाला नहीं होगा। मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि आप पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bye bye, Tata, see you.